साल 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हुई थी, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच स्थगित करना पड़ा था। ऐसे में बीसीसीआई और ईसीबी ने इस बात का फैसला किया था कि आखिरी टेस्ट मैच साल 2022 में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस मैच की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही टीम इंडिया को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई है। खबर भारत के ऑलराउंडर आर अश्विन को लेकर है, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत के ऑलराउंडर आर अश्विन इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना नहीं हो पाए थे, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस समय ये खिलाड़ी क्वारंटाइन में है। इस बात की जानकारी बीसीसीआई की तरफ से दे दी गई है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि आर अश्विन टीम के साथ इंग्लैंड नहीं गए हैं, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 1 जुलाई से टेस्ट मैच शुरू होने से पहले वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो लीसेस्टरशायर के खिलाफ अभ्यास मैच से चूक सकते हैं। बता दें कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही है। पिछली बार जब ये मैच खेला जा रहा था, तब टीम की कमान विराट कोहली के हाथों में थी और हेड कोच रवि शास्त्री थे, लेकिन इस बार सब बदल गया है। इस बार भारतीय टीम की कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में है और हेड कोच हैं राहुल द्रविड़। वहीं 2021 में सीरीज का आखिरी मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाना था, लेकिन इस बार मैच एजबेस्टन में खेला जाएगा। साथ ही इंग्लैंड के नए हेड कोच ब्रेंडन मैकलम है और नए कप्तान बेन स्टोक। ये एकमात्र टेस्ट मैच 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। देखना होगा कि इस मुकाबले तक क्या अश्विन ठीक हो पाएंगे और टीम में वापसी कर पाएंगे। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।